तरीके से हमने देखा कि उनको भी काफी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, और अब देखने वाली बात होगी कि जब बजट का पिटारा खुलेगा तो क्या कुछ सौगात महिलाओं को मिलती है और कितनी सौगातें महिलाओं की झोली में आती है। तो ये तो रही बजट से महिलाओं की उम्मीदें। बजट 2022 से हर कोई उम्मीद लगाए बैठा है। सरकारी कर्मचारी से लेकर व्यापारी वर्ग तक ये उम्मीद कर रहा है कि उसे बजट 2022 में कुछ राहत मिलेगी। व्यापार की और भी ज्यादा बढ़ गई है। पिछले दो साल से व्यापारी वर्ग संक्रमण के संकट से गुजरा है। पूरी दुनिया में व्यापार प्रभावित हुआ था, लेकिन एक उम्मीद, एक आशा से आम बजट को आंका जा रहा है और आशा है कि सरकार इस बार निराश नहीं करेगी। तो सुनिए व्यापारियों की क्या कुछ उम्मीदें हैं। निश्चित रूप से कोविड की दो लहरों के बाद कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग और मध्यम वर्ग बहुत परेशान है, और देश के फाइनेंस मिनिस्टर से हमें एक बहुत ही राहत वाला बजट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं महंगाई कम हो। व्यापारियों के नजरिए से देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को एक कम ब्याज दर पे, इंटरनेशनल मार्केट्स में आप जाएंगे तो बहुत कम ब्याज दर पे लोग अदर कंट्रीज जो है अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स को मौका देते हैं। तो भोपाल में ट्रेडर्स के लिए, इंडिया में ट्रेडर्स के लिए कम ब्याज दर पे मुद्रा जैसी योजनाओं में भी कम ब्याज दर पे लोन स्वीकृत होने चाहिए, और वर्तमान सीसीओडी में भी राहत मिलनी चाहिए। साथ ही एक मध्यम वर्ग की बात करें तो कहीं ना कहीं महंगाई की दर कंट्रोल होनी चाहिए और जीएसटी का सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। व्यापारी कर देता था, देता आया था, देता रहेगा, पर एक जीएसटी जो कल प्रणाली है उसमें लगातार अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। जैसे अभी क्लोथ और फुटवेयर पे लगा था, तो क्लोथ पे तो रोल बैक हुआ, कहीं ना कहीं बहुत बेसिक जरूरत थी उसको रोल बैक होने की, पर फुटवेयर में रहा। तो जीएसटी का भी कर प्रणाली एक व्यापारी जो देश के व्यापारी संगठन उनके अनुरूप होनी चाहिए, और जैसे मैंने कहा कि एक सामूहिक बीमा योजना भी व्यापारियों के लिए आना चाहिए, क्योंकि ये देखा है कि कहीं ना कहीं व्यापारी अवेयर नहीं रहता, तो एक सामूहिक बीमा योजना की भी व्यापारियों के लिए सरकार को पेश करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से हम आशान्वित हैं एक मिडिल क्लास के नामले, व्यापारी के नामले के नाते, कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हम पूरा करेंगे, साथ में कहीं ना कहीं देश के विकास में जिस हिसाब से व्यापारी ने संकल्पित होकर काम किया है, कोरोना की दोनों लहरों में फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह काम किया है, उसको इस बजट में राहत मिलने की हमें पूरी उम्मीद है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि आगामी जो बजट आए वो सारे व्यापारी भाइयों एवं आम नागरिक जनता को देखते हुए आए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ साल से सारा देश, प्रदेश और भोपाल इस कोरोना महामारी से बहुत बुरी तरीके से, मतलब व्यापार और लोगों की आमदनी में बहुत फर्क पड़ गया है। आप देखेंगे कि हर आदमी, हर वर्ग का, मतलब छोटी दुकान वाला और बड़ी से बड़ी दुकान वाला, हर आदमी परेशान है। तो हमारी उम्मीद ये है कि अब जो आने वाला जो बजट है उस बजट में नए टैक्स ना लगाए सरकार, क्योंकि आज जो व्यापार है जहाँ पर 50% व्यापार रह गया है, और उसी प्रकार से जैसे व्यापार 50% हो गया है वैसे व्यक्ति की आमदनी भी 50% हो गई है। तो हम ये चाहते हैं कि नए सरकार कोई टैक्स ना लगाए, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि हर चीज महंगी है, पेट्रोल महंगा है, सब्जी महंगी है, खाने का तेल महंगा है, दाल महंगी है, मतलब, लेकिन कमाई के नाम सारी कमाइयां उसी जगह, कमाई उसकी आधी हो गई है। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि जब हमारी कमाई आधी हो गई है तो आप टैक्स घटा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं घटा सकते हैं तो नया टैक्स ना लगाएं। मैम देखिए, उम्मीद तो बहुत है हम लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसको देखते हुए आने वाले बजट से हम लोगों को बहुत ही, मतलब, उम्मीदें हैं कि जो महंगाई बढ़ी है वो कुछ कम होके आएगी। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि पेट्रोल महंगे हो रहे हैं और बाहरी सामान हो रही, कोरोना की बहुत महामारी से कंपनियों में भी क्रॉस कटिंग हो रही है, जिसके लिए वो लेके घर के बजट पे ही आता है। अब हाउसवाइफ कैसे घर चलाती वो हाउसवाइफ जानती है। तो बस आने वाले में सरकार, मैं ये नहीं कह रही सरकार गलत है, लेकिन उम्मीद यही है हम लोगों की कि थोड़ा सा बजट में कुछ आए कि जिससे हम लोग अपनी गृहस्थी को अच्छे से चला सके। हम ये उम्मीद करते हैं कि सेक्टर में काफी वो उस तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि जो कोविड की पहली, दूसरी और तीसरी लहर आई उसमें काफी डगमगा सा गया। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि श्रीमती सीतारमन जी जब बजट पेश करेंगी तो कुछ ऐसे प्रभावी नियम और ऐसी सुविधाएं आएंगी जिससे हमको कुछ पटरी पे आने में मदद मिलेगी। स्पेशली मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कहना चाहूंगी कि टू व्हीलर्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं
उनकी फाइनेंसिंग में काफी प्रॉब्लम आती है. सबसे बड़ा जो मुश्किल है वो है कि इलेक्ट्रिक जो लो स्पीड व्हीकल्स हैं वो काफी उनकी बिक्री होती है, क्योंकि भारत में मध्यम वर्गीय और कम आयत के लोग ज्यादा हैं, तो वो लो स्पीड व्हीकल खरीदना चाहते हैं, स्पेशली जो औरतें हैं, बच्चे हैं या बूढ़े हैं. लेकिन लो स्पीड व्हीकल में फाइनेंसिंग की और मुश्किल है, उसमें सब्सिडी भी नहीं है. सब्सिडी पाने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो बहुत ही मुश्किल है. हाई स्पीड के लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि जो डीलर्स और मैन्युफैक्चरर्स को जो कस्टमर को सब्सिडी देने का जो तरीका है वो इतना मुश्किल है कि लोग जो है काफी सोचते हैं लेने से पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो मैं ऐसी भी सुविधा चाहूंगी कि डायरेक्टली कस्टमर्स तक सब्सिडी पहुंचे, इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरर डीलर्स जो उसमें जूझते रहते हैं, उससे एक बहुत मुश्किल सी आ जाती है. बजट में हम चाहते हैं सरलीकरण की जितना ज्यादा ज्यादा हो. अब उन्हें टैक्स एक्सपेंडिचर पर लेकर के आ रहे हैं, जो अभी यही नहीं समझ में आ रहा है कि किस हिसाब से अपना बजट बनेगा. अब आने वाले समय के अंदर हम तो ये चाहते हैं कि स्लैब भी बढ़ाया जाए और सभी को राहत दी जाए, और दो साल जो कोविड में निकले हैं तो व्यापारी वर्ग यही चाहता है कि कम से कम बजट के अंदर इम्पोज किया जाए पेनाल्टी वगैरह, और जितने भी हैं कर रहे हैं, और अपना ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले हम सभी व्यापारियों को. जो वित्त मंत्री जी बजट लाने वाले, उनसे ये निवेदन, इस बजट में ऐसे प्रावधान लाना चाहिए जिससे महंगाई को हम कंट्रोल कर सके. जैसे रसोई गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, खाने का तेल हो गया, और भी खाने की बहुत सारी चीजें जिससे आज एक गरीब आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है. आज 900 रुपए का सिलेंडर, रसोई गैस का सिलेंडर आ रहा है, एक गरीब आदमी की तनख्वाह बेचारे की 6,000-5,000 होती है, 1,000 रुपए रसोई गैस में चला जाता है, वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा. तो मेरा तो यही निवेदन है इस पूरे बजट में सरकार से कि कैसे भी करके ऐसा प्रावधान लाए कि महंगाई पे कंट्रोल हो, जिसमें जो मेन चीज जरूरत की चीजें जो पब्लिक की रहती है, जैसे रसोई गैस, खाने का तेल, दाल चावल आटा, जो भी चीजें होती हैं उस पर एक अंकुश लगा के महंगाई कम की जाए. पेट्रोल 100 रुपए लीटर, डीजल 100 रुपए लीटर, सुना है कि 2-1 महीने में 125 रुपए लीटर हो जाएगा, आने वाले समय में 150 रुपए लीटर भी पेट्रोल बिक सकता है. तो पेट्रोल हो गया, रसोई गैस हो गई, इन सब पे एक बजट में प्रावधान आना चाहिए कैसे महंगाई कम हो जिससे देश का जनता का भला हो. लेकिन बजट एक लेखा जोखा है जो अपने एक वित्त वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन जब भी बजट आता है तो आम आदमी की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, और आम आदमी की अपेक्षाएं दो तरीके से बढ़ती हैं. एक तो उसको किचन में उसको कितना वेटेज मिल रहा है और कितनी रियायतें मिल रही हैं, दूसरा उसकी बचत पर, उसकी इनकम पर बचत करके कितना टैक्स उससे बच सकता है, दो चीजें बड़ी होती हैं. दूसरी तरफ अगर हम हिंदुस्तान की ग्रोथ की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ लगातार बढ़ती गई, लेकिन अभी बीच में फिर इंटरनेशनल एजेंसियों द्वारा उसको एक 9% पर रोक दिया गया. तो इंडस्ट्रीज की डिमांड क्या है, इंडस्ट्रीज में डिमांड कैसे निकलेगी, कौन सी इंडस्ट्री को राहत दी जाएगी, ये सब बातें बजट में आनी चाहिए. और मैं समझता हूं कि ये जो बजट 1 फरवरी को माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी पेश करेंगे, उसमें एक तो 5 राज्यों को देखते हुए कुछ ना कुछ रियायतें होनी चाहिए, और अगर हम एक्चुअल रूप से देखें तो इस समय देश को दो जगह बहुत जरूरत है बजट की, बड़े बजट की. फर्स्ट तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार को देना चाहिए, ऑलरेडी दे भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें कुछ और सुधार होना चाहिए. दूसरा, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, फिजिकली जनरेट होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के साथ साथ जो नाम जुड़ा वो रियलिटी सेक्टर है. पहली मेरी डिमांड तो माननीय वित्त मंत्री से रहेगी कि रियलिटी सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जीडीपी में सबसे ज्यादा वेटेज है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है. और जब इस इंडस्ट्री से पैसा आता है तो होल इंडस्ट्रीज में, हिंदुस्तान की सभी इंडस्ट्रीज में यहां से पैसा पहुंचता है, और जो लेबर रहती है उसके हाथ में भी पैसा आता है. तो मेरी पहली डिमांड यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उनको रियायतें देना चाहिए, खासतौर पर रियल्टी सेक्टर में. दूसरा, हम देखें टैक्स स्टेट पर, तो सरकार की अभी दो योजनाएं चल रही हैं, एक पुरानी और एक नई.
अभी भी पुरानी योजनाओं में लोग हैं और उसको पसंद कर रहे हैं, हमने देखा है। सरकार को 80CCC में सरकार को छूट देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार के पास, आम जनता के पास बहुत बड़ा खर्चा हो गया COVID-19 में हॉस्पिटलाइजेशन का, उसको भी उनको 80CCC में कहीं ना कहीं उसको जोड़ना चाहिए। जो 1.5 लाख रुपए की लिमिट है उसे लगभग 2 लाख रुपए